जैकी श्रॉफ का खुलासा, बोले टाइगर दिशा पाटनी की हो सकती है शादी। बॉलीवुड में जगू दादा के नाम से मशहूर जैकी श्रॉफ जल्द ही बैक टू बैक फिल्मों में नजर आने वाले हैं। जैकी को बहुत जल्द रो में भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम भी दिखाई देंगे। इसके बाद जैकी सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि जैकी बॉलीवुड गलियारे में अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जैकी श्रॉफ अपनी बात को बेहद ही खास अंदाज में रखते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने बेटे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के रिश्ते को लेकर पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार जैकी श्रॉफ से जब टाइगर और दिशा पाटनी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 25 साल की उम्र में एक खास लड़की मिली है जो मेरे बेटे की दोस्त है। ये दोनों साथ डांस के साथ काम भी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जैकी ने कहा कि टाइगर दिशा अपने रिश्ते को कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो दोनों शादी कर सकते हैं या दोनों खुलेआम अपने रिश्तों को स्वीकार कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि दोनों सिर्फ दोस्ती बने रहे। जैकी के अनुसार ये सब बातें उन दोनों पर निर्भर करता है। जैकी ने दिशा की तारीफ करते हुए कहा कि दिशा एक आर्मी फैमिली से संबद्ध रखती हैं। ऐसे में दिशा अनुशासन और प्रेशर दोनों का मतलब बखूबी जानती और समझती हैं। इसलिए ये सब बातें उन पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म भारत में जैकी श्रॉफ सलमान खान के पिता के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दिशा पाटनी भी दिखाई देने वाली है। भारत ईद के मौके पर 5 जून 2019 को रिलीज होने वाली है। बता दें कि यह 2014 में आई कोरियन फिल्म और तो माय फादर की ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म की कहानी 1947 से शुरू होती है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और हजारों परिवार बिछड़ जाते हैं। फिल्म का सफर भारत देश और भारत सलमान खान का है। फिल्म की कहानी साल 2000 तक चलती है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के साथ जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, तबू, नोरा फतेही, सुनील ग्रोवर और आसिफ शेख अहम किरदारों में दिखने वाले हैं।